नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अखन अपने लोकन के स्वागत कर रहल छी सहरसा के प्रसिद्ध माँ तारा मंदिर से। तारा मंदिर के प्रांगण में हमरा सब छी। अखन जे छै से समय चुनावक छै, चुनावक गहमा गहमी, और महिषी जे छै से मिथिला के एक प्रतिष्ठित गाँव छै, जे बेर बेर हमरा सब कहै छी जे मिथिला के किछ सिम्बॉलिक गाँव में से एकटा गाम महिषी। मुदा महिषी विधानसभा रहितो ई गाँव जे छै से सिमरी बख्तियारपुर में अबैत छै। अखन हमरा संगे एकटा भारतीय मीडिया के एतेक पैघ नाम छथि जिनका विषय में जतेक वर्णन करी जतेक बात करी ओ कम होइत छै। लोकसभा सन प्रतिष्ठित जगह में सीईओ के पद पर रहला के बाद विभिन्न माध्यम से होइत जे छै से वर्तमान में अखन एमएटी टीवी के एडिटर इन चीफ छथि और विकासशील इंसान पार्टी के सेकेंड इन कमान कह सकैत छियनि हमर जेठ भाई राजीव मिश्र जी छथि। भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और गोर लगै छी अहाँके। प्रणाम प्रणाम, अहाँके स्वागत अछि तारा स्थान में। चूँकि ई क्षेत्र जे छै से पूरा, हालांकि पूरा मिथिले अपन अछि मुदा मूल रूप से जे छै सहरसा सुपौल अहाँके क्षेत्र भऽ जाइए, अहाँ सभक गृह जे छै से जगह भऽ जाइत अछि। और एहिठान हमरा सब बात कऽ रहल छी एकटा ओहन फेस सँ। पहिले हम कने मीडिया दिस अभी जे एकटा ओहन फेस सँ जे राष्ट्रीय स्तर पर जे किछु गोटा मीडिया में हेता ताहिमे सँ अपने छी, और हुनका संगे हमरा मैथिली में मैथिली मीडिया में बात करबाक अवसर भेट रहल अछि, हम सब सौभाग्य बुझै छियै। तऽ जे ई यात्रा रहलैए मीडिया सँ और फिर राजनीतिक पार्टी तक के, हालांकि जे लेगेसी छनि ओ ललित बाबू के भाति छथिन, पूरा दुनिया के जग जियार छै, मुदा एकटा अलग जे छै से विचारधारा के शुरुआत भऽ रहल छै, तऽ एकरा केना देखबै हमसब? देखियौ, जे अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखल जाए, हालांकि विकासशील इंसान पार्टी एक नेशनल पार्टी छै और बिहार से ही हमसब शुरुआत के लिए दो साल पहले विकासशील इंसान पार्टी के स्थापना भेलै, और जे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखल जाए तो बिहार में जे एक एहन समाज जे अति पिछड़ा समाज छै, हुनका रिप्रेजेंटेशन, हुनकर रिप्रेजेंटेशन एज अ पार्टी कम छलै, जेना पासवान जी छथि या फिर दोसर जे पार्टीज छै, लेकिन रियल सेंस में जे अति पिछड़ा छै, जे निषाद समाज छै जाहिमे 22 जाति उपजाति आबै छै, उनकर कोनो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल से अगर कहूँ पार्लियामेंट में या असेंबली में ओ नहीं छलै। ओहिमे हमसब सोचलिए, चूँकि मुकेश बाबू से हमर जान पहचान पुरान अछि, तऽ हमसब सोचलिए चूँकि ओ पहिने लगभग 7 साल से एतय बिहार में एक्टिव छथि, तऽ हमसब सोचलिए कि क्या नहीं एकटा पॉलिटिकल पार्टी भी निषाद के बेस बना के, लेकिन पूरा एक इन जनरल जाहिमे सब केओ जतेक समाज के लोग छथि कोनो सबके रिप्रेजेंटेशन हुए, लेकिन जे अति पिछड़ा के एकटा वर्ग छै, एकटा जात समूह छै, जिनकर रिप्रेजेंटेशन एज सच नहीं छै बहुत नीक अगर अहाँ पार्लियामेंट के देखू या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, तऽ ओहिमे हमसब सोचलिए कि क्या नहीं एहन पार्टी बनल जाए, आ जेना 2 साल पहिने हमसब ई पार्टी बनेलिए, ओकर बाद जे रिस्पॉन्स भेटले आम लोग के, आम जनता के, खास करके जे हमर अपन सबके जे समाज छै जेकरा हमसब चाहैत रहिए रिप्रेजेंट करे लए, तो बहुत नीक भेटले। ओकर बाद चूँकि मुकेश सहनी जी एकटा वेल एक्सपोज्ड व्यक्ति छथिन, हालांकि आबै छथिन अति पिछड़ा समाज से, लेकिन हुनकर सोच जे छै से बड़ व्यापक छै, पूरा समाज हित में पूरे समाज के समाहित कए के सबके लेल विकास के बात करब, तैं उन्होंने जे पार्टी हुनकर बनले तऽ नामो भेलै विकासशील इंसान पार्टी, तब ओकर बाद जे हमसब बनेलिए ई पार्टी आ जे रिस्पॉन्स भेटले, अब अहीं देखू कि एहिबेर राजद संगे हमसब रहिए, महागठबंधन के संगे रहिए, हाँ, लेकिन हम बता ओनाही भेलै और रिस्पॉन्स हमरा सबके बड़ नीक भेट रहल है। चूँकि अपने जे चीज के जिक्र केलहुँ, हमर अगला प्रश्न वएह छल जे ओहि पोजिशन में आबि कऽ जतय ऑल सेट छै, सारा चीज रेडी छै और मतलब आगाँ बढ़े के लेल जे बस आब घोषणा हेतै और ओहिके बाद जे छै से एहि चीज के अनाउंसमेंट हेतै जे एहि कोटा से हिनका एतेक सीट भेटलनि, लेकिन ओहि फोरम पर जाकर सारा सब किछु छै और एक झटका में एहि चीज के निर्णय लेनाइ जे हम एहिठाम से निकलि रहल छी, ओ हमरा लगैए जे बहुत हद तक ई एकटा जे गेम चेंजर कहि सकै छै, विकासशील इंसान पार्टी के लेल गेम चेंजर, बिहार के पॉलिटिक्स के लेल गेम चेंजर भऽ सकै छै और संभव भेबो के लिए, तऽ ई कतेक पैघ या कतेक डिफिकल्ट डिसीजन छलै? एहन तरहक तऽ कोनो प्रश्न नहि छलै मन मे जे एहन तरहक फैसला लेबऽ पड़तै? नहि, बिल्कुल एहन प्रश्न नहि छलै। अखन तऽ हम तारा स्थान मे एतय शक्तिपीठ पे एतय छी, एहन तरह के कोनो प्लानिंग हमर सबके नहि छलै, लेकिन एहन स्थिति बनलै कि अचानक हमरा सबके लागलै कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, चूँकि हमरा सबके जे कहल गेल रहै, जे हमरा सबसे वादा कयल गेल रहै, तऽ ओकरा पर फिर बाद में अचानक लागलै कि नहीं सीट हम लोग को
अब वही दिन अगर अहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखब तो हुनका हिस्सा में महागठबंधन में राजद के हिस्सा में 144 सीट एले। अब वो कहलखिन 5 तारीख रहे, 8 तारीख फर्स्ट फेज के लास्ट डेट रहे, वो कहलखिन कि हम 2-3 दिन में निर्णय लेंगे कि अपने कोटा में से हम इनको कितना देंगे सीट। जबकि उससे पहले बात ये भेल छले कि हमको इतना नंबर ऑफ सीट्स मिलेगा और मुकेश सहनी जी के उप मुख्यमंत्री के तौर पे घोषणा हेतै, वह दिन घोषणा होना छले। लेकिन ये धोखा हमरा सबके भेटले, तहन हम सब वॉकआउट के लिए, चूंकि मुकेश सहनी जी कहबो कैला कि अति पिछड़ा के पीठ पे फिर एक बार चूड़ा घोपा गया घोपल गेले, तो स्थिति भेले। लेकिन तुरंत बाद हम तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनका धन्यवाद दे छे कि वो सब तुरंते हमर सबके संग ला कहलखिन आ हमरा सबके 11 सीट, सिर्फ 11 सीट नहीं दिलखिन, वह 100 सिर्फ उनका हिस्सा में सिर्फ 121 सीट रहे, ओमे 11 सीट हमरा दिलखिन और MLCO के एकटा सीट हमरा दिलखिन। तो हम सब चाहे छे और ओकर असर अहाँ देखब, ओकर असर अहाँ के 10 तारीख के जै दिन मतगणना छे ओहि दिन अहाँ के पता चलत जे महागठबंधन में तेजस्वी जी ने कितनी बड़ी भूल की, कतेक पैघ हुनकर जे छै ई एकटा एहन निर्णय जे हुनका 10 तारीख के समझ में एतै कि हुनका से की गलती भेलै। और ओकर बाद अहाँ देखब जे NDA के सीट्स में कतेक अंतर भेलै, हम सब तो रहबे टेलीविजन पे और हम सब विस्तार से ओकर स्टैटिक्स के देखबे और मैं अहाँ के बतेबे कि कैसे ये गेम चेंजर हो गया। और ये जो 5 तारीख की घटना हुई ओकर बाद केना पूरा बिहार के पॉलिटिक्स के जो गेम छे बिल्कुल नया तरह से नया चेंजेज एलै, जैमे अति पिछड़ा समाज, अग्रा समाज, जे अग्रा समाज छे, अति पिछड़ा समाज छे और बाकी टोटल समाज छे केना जुड़ले NDA के संग और NDA के फिर दोबारा सत्ता में NDA एलै, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री होता। जी, चूँकि अहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लोक नहीं छी, अहाँ जे शीर्षस्थ भारतीय मीडिया के लोक छे तैमे से एकटा छी जिनके एनालिसिस पर बहुत बढ़िया पकड़ छनि, बहुत शानदार पकड़ छनि। देश के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री होथि और ओहिठाम से लऽ कऽ जे ओ पार्लियामेंटेरियन होथि या फिर असेंबली से केओ भी आदमी होइ या फिर समाज से जुड़ल केओ भी लोक होइ, तमाम लोक संगे अपने बैसै छी, जनता के नब्ज अहाँ जनैत छी बींग एडिटर या फिर CEO या तमाम चीज। तो एकटा पत्रकार के रूप में अगर एकटा जे छै से पत्रकार अहाँ से पूछ रहल है जे बींग अ पार्ट ऑफ मतलब रूलिंग पार्टी, कतेक अंतर जे छै बुझ रहल छी, जे मतलब एक घंटा पहले जे प्रेस कॉन्फ्रेंस में छलै या VIP और एक घंटा बाद या दू दिन के बाद जे सरकार में आबि गेलै, ओ कतेक अंतर छलै? हमरा एकटा जे फर्क जे नजर एलै जे महागठबंधन में देखियो सरकार चलाना जे छै ना वो एकटा एक तरह से मैनेजमेंट छै, प्रबंधन, और खास करके गठबंधन के सरकार के चलाबे लेल अहाँ में एकटा विशेष योग्यता होना चाहिए। हमरा ये लागले जे पहिने हम सब छलिए तेजस्वी बाबू के हम सब और हमरा आइयो हम कह रहल छी तेजस्वी बाबू के भगवान नीक करथिन, हुनकर तरक्की हुए हम चाहे छिए, लेकिन हुनका से बहुत पैघ मिस्टेक भेलै और या एक मैनेजमेंट, चूँकि अहाँ जखन अहाँ गठबंधन चलबे छी ना तो ओहिमे अहाँ के बहुत तरह से प्रबंधन के क्षमता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अहाँ नीतीश कुमार जी के देखब तो नीतीश कुमार के अगर अहाँ पूरे भारत में अगर तुलना करल जाए कोनो एहन पॉलिटिशियन के जेकरा कोनो गठबंधन के सरकार चलावे के अनुभव हुए, चाहे अहाँ महाराष्ट्र में देखियो चाहे कोनो स्टेट में, चूँकि अब जे संस्कृति छे या जे स्थिति छे, चाहे राष्ट्र के सरकार हुए, भारत सरकार हुए या कोनो राज्य के सरकार हुए, ज़्यादातर राज्य में गठबंधन के सरकार छे, तो गठबंधन के सरकार चलावे के अनुभव अगर कोनो एक व्यक्ति में पूरे भारतवर्ष में आय के परिप्रेक्ष्य में देखल जाए तो सबसे बेसी अनुभव जे छे नीतीश कुमार जी के छे। अब उ चलावे में कनी ऊपर नीचा होइ छे, जहन आदमी सरकार चलावे छे तो बहुत तरह के ओहिमे दिक्कत आबै छे, लेकिन अगर आप तुलना करू तो ओहिमे सबसे बेस्ट च्वाइस, इफ यू हैव जस्ट सिंगल बेस्ट च्वाइस टू मैनेज गठबंधन गवर्नमेंट, देन आई वुड लाइक टू से दैट मिस्टर नीतीश कुमार इज हैविंग दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट, एंड ही विल बी अगेन विल बी अ गुड चीफ मिनिस्टर फॉर बिहार, एंड आई थिंक कि उनको बनना चाहिए बिहार का चीफ मिनिस्टर दोबारा। चूँकि हम जब मिथिला के राजनीति के बात करी, हम देश के राजनीति के बात करी, तो एक नाम हमरा सबके जहन में, और चूँकि हम ओ नाम के जीवे छी, हम सबसे बेसी शायद हम आई के डेट में मिथिला में ओ नाम के हम ही जीव रहल छी, ओ नाम ललित बाबू के छन। ओहि नाम पर अबै देरी नहि कोनो जाति रहै छै, नहि कोनो समुदाय होइ छै, ई तमाम चीज ध्वस्त भऽ जाइ छै। और हमरा लगे जे मिथिला के राजनीति मे ओ एकेटा व्यक्ति छथि जिनका नाम पर कम से कम हर हर जाति के लोक मे, हर समाज के लोक मे ओतबा रिस्पेक्ट छै।
ओ लेगेसी है यहाँ लग। दोसर दिस हमरे संवाददाता हमर वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र कुमार झा के जे छे से मुकेश सहनी कहे छथिन जे हम मिथिला के पुत्र छी, सन ऑफ मल्लास मिथिला के पुत्र पर अबै छे। तो दूटा मिथिला के पुत्र, एकटा मुकेश सहनी और दोसर राजीव मिश्रा, की मिथिला के ललित बाबू के बाद ई दुनू गोटा मिल के जे छे रिवाइव करथिन, एहन चीज देख सकै छी? देखियो, हम जहिया से हम होश संभाललिए तो हम ललित बाबू कि 54 साल के उम्र में ही हुनकर मृत्यु भ गेलै आकस्मिक। हुनकर जे सपना छले, अगर हमरा लागे ये कि अगर 10 साल और अगर वो 10 साल और जीवित रहता, अगर ऐसा हुआ होता तो मिथिलांचल के नक्शा कम्प्लीटली चेंज होती है। मिथिलांचल आए जे हम देख रहल छी, ये मिथिलांचल बिल्कुल अहाँ पंजाब या हरियाणा या उससे भी नीक स्टेट के तौर पर अहाँ मिथिलांचल के देखती है। लेकिन हमू अब ई कहे ला चाहे छी कि हमू ललित बाबू के भाती छी, जगन्नाथ मिश्रा जी के भाती छी, मृत्युंजय नारायण मिश्रा जी के पुत्र छी। हमरा एहि बात के गर्व अछि जे हम चूँकि आई महिषी में जहन हम घूमि रहल छी, जे हमरा रिस्पॉन्स भेट रहल अछि, हम एक ई बात के हमरा पर गर्व अछि जे हमर पूर्वज ललित बाबू, जगन्नाथ बाबू, मृत्युंजय बाबू के हम हुनकर खानदान में पैदा भेलहुँ। और हम ये कह रहल छी जे हुनकर विजन छले, जे दूरदृष्टि छले मिथिलांचल ले जे करे ला चाहे छे, हम अहाँ के ये कह रहल छी कि कनिये दिन में मुकेश बाबू के संगे, मुकेश सहनी जी के संगे लोग हमरा राजीव मिश्रा के तौर पे नहीं जानते, लोग हमरा जानते ललित नारायण मिश्रा द्वितीय, एलन मिश्रा सेकंड। वो आदमी आया है यहाँ पे और मिथिलांचल में जो उनका सपना जो रुक गया, जो वो नहीं कर पाए, हमरा ये लागे छे जे हम हुनकर आत्मा के शांति लेल और हुनकर आत्मा बहुत खुश हेते जे हुनकर सपना के हम पूरा करबे। जगन्नाथ बाबू कोशिश कला लेकिन जगन्नाथ बाबू के बहुत मौका नहीं भेटले, चूँकि सिर्फ 76 में एक साल लेल चीफ मिनिस्टर बनला, 80 से 83 सिर्फ 3 साल, 90 में 6 महीना, तो उनका बेसी मौका नहीं भेटले। लेकिन हमरा मुकेश सहनी भी बहुत एक्सपोज, बहुत ही नीक लोग छथिन, विजन हुनकर बहुत क्लियर छे, मिथिलांचल के छथिन, हमू मिथिलांचल के छे। अहाँ देखबे कि अब अगला जे 2 साल 4 साल 5 साल में अहाँके दिख जायत जे मिथिलांचल में केना विजनरी लोग सब नया आयल छे, नया सोच के लोग सब आयल छे, और बिल्कुल चेंजेस जे छे, जे ललित बाबू के सपना जे पूरा नहीं भेले वो हम सब दोनों आदमी मिलके पूरा करबे। अंतिम सवाल, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर बात करी तो वो कहे छथिन भारत युवा देश छे, युवा के देश छे, अगर युवा छे तो ओकर किछ एस्पिरेशंस हेते, यूथ के एस्पिरेशंस छे, ओकर किछ आकांक्षा छे। और एक समय एहन अबै छे जे लोग सीधे मुँह से ई चीज कह दै छै जे पॉलिटिक्स जे छे वो गंदा चीज छे, एहिमे नहि जेबाक चाही, लेकिन हमरा लगे ई बात गलत छे। एहि दुआरे जे नीति निर्धारक जे पॉलिटिशियंस छथि, ओ नीति निर्धारक छथि, ओ चीज के योजना बनाबै छथिन, ओकर क्रियान्वयन करै छथिन, ओ गलत केना भऽ सकै? तऽ एहिमे जे युवा के या फिर अदर जे चीज छै, युवा अगर आगाँ नहि होतै तऽ मिथिला जे छै से रिवाइव नहि हेतै, तऽ हुनका सबके लेल अहाँ की संदेश देबनि? बिल्कुल, हम ई कहै लए चाहै छी जे अगर अहाँ देखब के पहने के पॉलिटिशियंस आई से 30 साल 40 साल पहने के पॉलिटिशियन और आई के जे पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन में अगर क्वालिटी अहाँ देखब तो बस हम एकटा चीज कहबे जो ब्यूरोक्रेसी जो होइ छे, ब्यूरोक्रेसी एकटा मिथिला में पुरान कहावत छे जो घोड़ा और सवार, सवार अगर मजबूत होइ छे तो घोड़ा कंट्रोल में रहै छे, सवार अगर कमजोर हेते तो घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहते। पहने के पॉलिटिशियन के क्वालिटी रहे, पढ़ल लिखल लोग छला तो जे सांसद हेते छला, जे मिनिस्टर छला, हुनका सबके ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल बहुत नीक होत रहे। आई के पॉलिटिशियन में ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली एहन लोग आबि गेला जे बेसी पढ़ल लिखल नहीं छथि, बेसी पढ़ल लिखल के मतलब एक्सपोज नहीं छै, दुनिया के नहीं देखने छै, तो हुनका ब्यूरोक्रेसी चला दे छै। अब कहावत के हम दोबारा कह रहल छी, मिथिला में एकटा कहावत छै, हल्लुक सवार घोड़ा फेंक मारे छै, अगर सवार हल्का है तो घोड़ा उसको गुदानता नहीं फेंक देता है। आय के दुनिया, आय के समाज में जे पॉलिटिशियंस छथि, पॉलिसी मेकर्स छथि, वो बहुत हल्लुक लोग सब छथि, ओहन एक्सपोजर नहीं ज़्यादातर लोग। अहाँ हमरा कहू 543 सीट छै लोकसभा में, कईटा एहन वक्ता छथि जे जहन बाजे छथि लोकसभा में तो पूरा राष्ट्र जे छै ध्यान से उनकर बात सुनै छै, मुश्किल से 30-40 आदमी, 543 में 30-40, ओनाही 243 सीट छै, ओहिमे कतेक एमएलए छै जे कंट्रोल कए सकै छै ब्यूरोक्रेसी के। तैं हम चाहै छियै जे ओहन लोग
ओहन बच्चा सब जे पढ़ल लिखल छै दोसर फील्ड में नीक काज कर रहल छै, नीक साइंटिस्ट छै, नीक इंजीनियर छै, नीक प्रबंधक छै, मैनेजमेंट नीक कर रहल छै, अपन क्षेत्र में बढ़िया काज कर रहल छै, ओकरा सबके अखने टाइम छै वापस आना चाही, पॉलिटिक्स में जुड़ना चाही। और एतय जे नीति निर्धारण छै एकटा दशा और दिशा जे खराब भऽ गेल छै बिहार के खास करके, ओकरा सुधारे लेल जरूरी छै कि एहन लोग पढ़ल लिखल लोग ओ सब आवत पॉलिटिक्स में आवत। हम अपील करे छिए मिथिलांचल के हर एक उस युवा से जो अपने फील्ड में नीक कर रहल छथिन, अपन जगह नीक कर रहल छथिन, ओ सब वापस आए। जेना हम एलिए मीडिया में छलिए लेकिन हम एलिए, हम चाहे छिए कि हमर समाज के विकास हुए, मिथिलांचल के विकास हुए। हम अपील करे छी ओहन लोग सब से जे पढ़ल लिखल छथि जात पात के भूल के जे नीक काज कर रहे छथि अपन फील्ड में, कतौ छथि भारत में छथि, भारत के बाहर छथि, बिहार में छथि, महाराष्ट्र में छथि, कतौ छथि, वापस आए एतय और अपना हिसाब से पॉलिटिक्स ज्वाइन करथि और नीक समाज के सही दिशा में ले जाथि, समाज के विकास करथि, ई जरूरी छै। चूँकि मुकेश सहनी जे छै से ओ बीमार छथि कोरोना, हालांकि उनका रिपोर्ट जे छै से नेगेटिव आबि गेलनि हँ, लेकिन आफ्टर कोरोना जे इफेक्ट्स रहै छै से बहुत वीक, बहुत कमजोर बना दै छै शरीर के। और चुनाव एहिठाम 7 तारीख के छै, अपने जे छै सिमरी बख्तियारपुर सँ एहिठाम ओ प्रत्याशी छथि, अहाँ हुनका एबसेंस में एहिठाम अहाँ उतरि गेलियै हँ, हालांकि एक दिन के लेल उतरला है, लेकिन हमरा लगैया जे हुनका रेस्ट लेबाक चाही अखन जे तरहक स्थिति छै, तऽ की केना अहाँके क्षेत्र में मतदाता के की रुझान छै? हम जे घूमि रहल छी, हम तऽ ओनाहु मुकेश बाबू के कहलियै कि चूँकि आइयो हमरा ओ कहलखिन कि हम बहुत कमजोरी फील कर रहल छी, आइ हमर सबके रोड शो छलै, तऽ हम हुनका कहलियै कि बेसी नहि अहाँ आराम करू, बाकी जे स्थिति एतय के छै सिमरी बख्तियारपुर के जे स्थिति छै, हम जे एतय घूमि रहल छियै, जतय भी घूमल छियै हम, स्थिति बहुत नीक छै। और चूँकि देखियौ सबसे पैघ बात छै जे सिमरी बख्तियारपुर के वोटर्स के क्लैरिटी छै थॉट प्रोसेस में, हुनका ई पता छै जे एकटा पैघ पार्टी विकासशील इंसान पार्टी जे 11 सीट पर असगरे लड़ रहल छै एनडीए में, ओकर जे राष्ट्रीय अध्यक्ष छथि ओ एतय सिमरी बख्तियारपुर से लड़ रहल छथि, बिल्कुल जेना ही एनडीए के सरकार हेतै तब मुख्यमंत्री के समकक्ष अगर 2-3 लोग छैता तो ओहिमे मुकेश सहनी जी हेता, तैं सिमरी बख्तियारपुर के लोग लेल ई दुर्भाग्य हेतै कि अगर मुकेश सहनी जी हारि जेतै इलेक्शन, तऽ एतय के लोग के हम जतय जा रहल छियै इएह बात कह रहल छियै कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से लड़ रहा है जो बिहार के की दशा तय करेगा, दिशा तय करेगा, उसको आप बिल्कुल जिताएं और वोट दें। अखन जे स्थिति छै बिल्कुल क्लीन स्वीप छै, बहुत आराम से मुकेश सहनी जी सिमरी बख्तियारपुर के सीट बहुत आसानी से जीत रहल छथि। 10 तारीख एनडीए कतेक? अब एक संख्या देखियौ, भविष्यवाणी जे छै ने से कमजोर लोक करै छै, जे हमरा बुझल छै जे एनडीए के सरकार आबि रहल छै आ हमरा सबके जे सीट भेट रहल छै वो अप्रत्याशित छै और जे संख्या छै बहुत बेसी हेतै, एते कम्फर्टेबल जे अहाँ 3/4 या 2/3 ओहिसँ कम के सवाले नहि छै। और दिनो दिन फर्स्ट फेज में भी हम बहुत एक्टिव छलियै, सेकेंड फेज काल्हि ओकर वोट होना छै और थर्ड फेज ओकर बाद अहाँ देखबै जे 10 तारीख के बिल्कुल 11-12 बजे तक बहुत क्लियर भऽ जेतै कि 2/3 से 3/4 के ऊपर एनडीए के सीट आबि रहल छै और बहुत आसानी से एनडीए के दोबारा सरकार बनि रहल छै। भैया अहाँ के उज्ज्वल भविष्य के कामना करैत मिथिला मिरर के एतेक रास समय देबाक लेल, बात करबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ ई छलै है राजीव मिश्रा, भारतीय मीडिया के एकटा बहुत पैघ नाम और ओकरा बाद जे छै से जे राजनीतिक परिवार सँ छथि ओ राजनीतिक परिवार में एकमात्र नाम जे नाम पर जे छै से तमाम तरहक चीज जे छै से ध्वस्त भऽ जाइ छै, ओ नाम स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के छनि। निश्चित रूप से जे युवा के आकांक्षा के बात कहलनि, जे यूथ एस्पिरेशंस के बात कहलनि, निश्चित रूप से हर विधा में जे छै से मैथिल युवा आबैत, अपना आप के साबित करैत और ललित बाबू द्वारा जे तैयार कयल गेल एकटा ग्लोबल मिथिला के नक्शा छलैए ओहि पर चलैत, ओहि पदचिन्ह के अनुसरण करैत जे छै से एकटा ग्लोबल मिथिला के निर्माण करैत। सहयोगी राजीव चौधरी, राजेंद्र झा, भुवन झा, स्नेहा और खुशबू के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, सहरसा।